स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है इंग्लिश की क्लासेस? ठीक चल रही है? ध्यान से पढ़ो, ये सब कुछ आपको अगली क्लासेस में भी बहुत काम आएगा। आज का हमारा टॉपिक है द यूज ऑफ एंड वोवल्स एंड कंसोनेंट्स। किसी भी वर्ड से पहले अ यूज करें या एंड, आज हम इसी विषय पर बात करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप क्लास फोर वाले जानते ही हैं कि इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है? कितने लेटर्स हैं? 26, ए टू जेड 26। और ये हम नर्सरी क्लासेस से शुरू कर देते हैं। ऑलमोस्ट सभी को मालूम है ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं। अब आप एक बात नोट कीजिए, हमने कुछ लेटर्स को बॉक्स में रखा है, ए ई आई ओ यू। टोटल 5 लेटर्स ऐसे हैं जो हमने बॉक्स में रखे हैं, ए ई आई ओ यू। मैं इस पे प्रेशर डाल रहा हूं, आप समझिए कि ये हमारा टॉपिक है। इसको कहते हैं वॉवल, वी ओ डब्ल्यू ई एल एस, वॉवल्स। अब हमने A, E, I, O, U को जब 26 लेटर्स से बाहर निकाल दिया तो हमारे पास टोटल कितना बचा? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अब सिर्फ 21 लेटर्स बचे हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ओके। यहां पर हमारे पास अब दो वर्ड्स आ रहे हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल और कॉन्सोनेंट्स, आने वाली वीडियो में हम इन वर्ड इन लेटर्स का यूज कैसे करते हैं ये देखें। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है, यूज ऑफ ए एंड बिफोर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ओके। ध्यान से सुनना, ये बड़ी क्लासेस के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, बहुत यूजफुल होगा और ये आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा। वॉवल्स, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड जब ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो उससे पहले एन यूज किया जाता है। एनी पॉट, एन आइसक्रीम, एन एलिफेंट, ओके। बड़े एग्जांपल्स भी होंगे जो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अब हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स बी टू जेड, जिसमें से हमने ये लेटर्स निकाल लिए हैं वॉवल्स के रूप में। तो जो भी बचता है 21 लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उससे पहले हम ए का यूज करते हैं। ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले किसी भी वर्ड के साथ, जैसे अ बिल्डिंग, अ बनाना, ओके। आने वाली वीडियो में एग्जांपल्स भी लेंगे, आपकी बुक के बारे में भी बात करेंगे। एग्जांपल्स दैट हाउ टू यूज ऑफ ए एंड एन, फर्स्ट वर्ड कैन आई हैव अ पिलो प्लीज। अब यहां पी कॉन्सोनेंट है और पी से शुरू होने वाला वर्ड, पूरा वर्ड जो है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है और उससे पहले हम लगाएंगे अ, ओके। कॉन्सोनेंट से पहले अ यूज किया जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। सेकंड वन, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। एलिफेंट शुरू हो रहा है ई से, ई वॉवल है, वॉवल से पहले क्या यूज होता है? एन, एन यूज होता है। इज अ बिग एनिमल, बी आई डी बिग बी से शुरू हो रहा है और बी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हम आई यूज करते हैं। एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। थर्ड, मिस्टर मनोज इज एन ऑनेस्ट मैन। मिस्टर मनोज इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट यहां तो एच से शुरू हो रहा है और एच तो कॉन्सोनेंट में आ रहा है, तो फिर एन क्यों यूज किया गया, एन क्यों अप्लाई किया गया? It sounds like honest, not honest. It
प्रोनाउंसिएशन इज अनेस्ट, यानी इससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो है अनेस्ट, ओ ओ। और हमेशा जो भी ओ या ए आई ओ यू ई की साउंड प्रोड्यूस होती है उससे पहले एन का यूज करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे एन आर, एच ओ यू आर आर, तो वो उससे पहले भी एन अप्लाई किया जाएगा। ओके, एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक, हाउ टू यूज या अप्लाई एन एन। फर्स्ट वर्ड इज आर यू की रग, रग। ओके, कालीनिया गलीचा। उस ये स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, तो यूज करेंगे या अप्लाई करेंगे अ। सेकंड वर्ड पिलो, तकिया, सिरहाना, स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट तो यूज करेंगे अ। बेडशीट, चादर, बेडशीट आपको मालूम होगा। बी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले क्या अप्लाई करेंगे? आपको अभी इससे पहले जो वीडियो देखी आपने उसमें सब कुछ बताया गया, तो उस हिसाब से इसमें आएगा अ बेडशीट। नेक्स्ट वर्ड इज अलार्म क्लॉक, स्टार्टिंग विद वोवेल अ, ए, ए एल ए आर एम, अलार्म। तो अगर वोवेल से स्टार्ट कर रहा है तो इससे पहले अप्लाई होगा एन। वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कर रहा है, इससे पहले अप्लाई होगा अ। ये भी डब्ल्यू है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले भी अप्लाई होगा रिस्ट वॉच, कलाई पे बांधने वाली घड़ी। नेक्स्ट वर्ड इज एप्पल, एवरीबॉडी नोज, सबको पता है एप्पल, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एन एप्पल। ऑरेंज, संतरा, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ वोवेल वर्ड है तो एन ऑरेंज। बनाना, केला, बी कॉन्सोनेंट है उससे स्टार्ट हो रहा है तो बनाना। आइसक्रीम, आई से स्टार्ट होती है, सभी को पसंद है आइसक्रीम, आप बच्चे तो बहुत खाते हैं, आई से स्टार्ट होती है, आई जो है वोवेल है तो एन आइसक्रीम। बो, बी ओ डब्ल्यू, बो, ये कमान सभी ने देखा है, देखा है ना, तो उसमें जो कमान होती है ना उसको बो कहते हैं, बो। उस पर क्या चढ़ाया जाता है? एरो, ठीक है, बी कॉन्सोनेंट है, अ बो, ये एरो है, वोवेल से स्टार्ट कर रहा है, इससे पहले अप्लाई होगा एन। नेक्स्ट वर्ड इज बॉल, गेंद, बी बैट, बी कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं दोनों, तो इससे पहले अ अप्लाई किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डॉल, गुड़िया, सभी बच्चों ने देखी है गुड़िया, कॉन्सोनेंट वर्ड है, अप्लाई किया जाएगा। पिछली वीडियो में आपने देखा है, मैं सिर्फ आपकी थोड़ी मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ वर्ड्स आप अपनी तरफ से लिखेंगे और ए और एन अप्लाई करने का प्रयास कर। वेस्ट कोट, कोट और कमीज के ऊपर एक बास्केट डाली जाती है जिसको वेस्ट कोट कहा जाता है, इसमें बाहें नहीं होती, ठीक है, स्लीवलेस होता है वो। डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, अभी हमने पढ़ा है, कॉन्सोनेंट है तो अप्लाई किया जाएगा, लॉन्ग कोट, लंबा कोट, ठीक है। एल से स्टार्ट हो रहा है, आप बताइए कौन सा वर्ड है ये, एल कौन सा है, लेटर, हाँ कॉन्सोनेंट लेटर, तो उससे पहले अप्लाई किया जाएगा। सेकंड इज रेनकोट, बरसाती, बारिश में जो हम पहनते हैं, रेनकोट, आर कॉन्सोनेंट वर्ड है, इससे पहले अ यूज किया जाएगा। और लास्ट वर्ड है अम्ब्रेला, छाता, स्टार्टिंग विद वोवेल वर्ड, हम अप्लाई करेंगे एन। हाँ, एक बात और, आप अपनी तरफ से भी बुक से 8, 10, 15 जितने भी शब्द आप लिख सकते हैं लिखें, और प्रैक्टिस के लिए उससे पहले ए एंड एन अप्लाई करके अपने टीचर को जरूर दिखाएं। Here is the worksheet, आप इस वर्कशीट की स्क्रीनशॉट लेकर या फोटो लेकर अपनी कॉपी में फिल करें। पिक एनी वर्ड फ्रॉम एनी बास्केट, अप्लाई अ एंड एन इन फ्रंट ऑफ द वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम एवरी वर्ड, नीचे खाली जगह दिए वहां आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ए एंड एन। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो ये वाली वर्कशीट, ये क्वेश्चन हमने उस वीडियो के आधार पर ही डिवेलप किया है। आप अपनी तरफ से भी एक
क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. थैंक यू फॉर एवरीथिंग.